हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 के इस एपिसोड में। आज हम अपने स्पेशल ट्रांसपोर्ट डीएलसी में से कोई इंटरेस्टिंग पिकअप करने वाले हैं। आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है ये न्यू डीएलसी के ऊपर, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट हम धीरे धीरे सारे के सारे कार्गो जो है नया हैवी कार्गो हम उसको एक्सप्लोर करें। तो आज हम डेस्टिनेशन पर जाकर ही देखेंगे कि क्या है हमारे लिए अवेलेबल एंड लेट्स सी। तो तब तक आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ऑल दोस थिंग्स अगर आपने नहीं करा है तो। 548 लीटर्स का हमारे पास फ्यूल है, लेकिन जो हम स्पेशल कार्गो वाली ट्रिप्स करते हैं अगर आपने नोटिस करा है तो उसमें हमें अपना भी फिल कर देते हैं हमारे वो ट्रक, और हमारी जो स्लीप होती है वो भी कवर हो जाती है शायद। सो अभी हम देख कर आते हैं जो अभी हम ट्रेलर उठाएंगे क्या ऐसा है। तो आज हम अभी हम ओडेंस में हैं। एक्चुअली मैं टाइम ट्रेवल करके चला गया था। सो लेट्स सी ट्रेकार ट्रांस में क्या है। फ्रेट मार्केट पर हम जाते हैं हाई वैल्यू कार्गो में से। देखो दो चीज़ें हैं, एक हम लेके जा सकते हैं जाइंट सिलो जो 40 टन का है, एक ह्यूज पाइप सी है, और एक है सर्विस बोट। मुझे सर्विस बोट अच्छी लग रही थी एंड वो पे भी ज़्यादा कर रही है, तो इस बार हम लेके जाएंगे एक सर्विस बोट, और नेक्स्ट ट्रिप में हम ऑब्वियसली जाइंट सिलो कवर करेंगे। इससे हमें पता चल जाता है कि क्या क्या जॉब हमारे लिए अवेलेबल है। अब देखो कार्गो हम एक एक करके ही समझ पाएंगे ना कि इस डीएलसी में आया क्या क्या है। इसमें आर्टिकुलेटेड ट्रेलर नहीं है, इसमें है। तो चलो अब मैंने अपना माइंड बदल लिया। मुझे पता है आप लोगों को हैवी कार्गो ही पसंद है, तो आपके लिए हैवी कार्गो वाली ट्रिप मैं लेकर आया हूँ। अब आर्टिकुलेटेड हैवी कार्गो, आर्टिकुलेटेड ट्रेलर नहीं है एक्चुअली, ये भी नहीं है, यहाँ भी नहीं मेंशनड है, लेकिन ये आता है हैवी कार्गो के अंडर क्योंकि 40 टन का है। 303 किलोमीटर की जर्नी है ओडेंस से हर्ट्सल्स डेनमार्क की ट्रिप है ये। हम अभी तो यहाँ पर थे, कहीं पे हम यहाँ पे थे ना, बायल स्टॉक में थे, लेकिन मैंने अपने आपको टेलीपोर्ट करके सीधा यहाँ पे रख दिया। और तो बाकी ट्रिप जो हैं वो हल्की हल्की हैं, हमें वो उठानी नहीं है। तो आपको हैवी कार को पसंद है तो आज हम जाइंट कार जाइंट सिलो उठाएंगे, टेक द जॉब कर देते हैं। ये सब तो पता ही है, ट्रक्स टैंक्स आर रिफिल्ड एंड ड्राइविंग आवर्स रिस्टोर्ड, लुक एट दैट, वेरी मीन। ओए हो स्पॉटलाइट्स चलाई हुई, अरे वाह कितना बढ़िया लग रहा है, इतना ह्यूज, ओ माय गॉड 40 टन्स, दिस इज ह्यूज, एक ह्यूज वाला ह्यूज, ओ माय गॉड। टर्निंग के समय जो प्रॉब्लम आएगी वो तो मुझे ही पता है। ओ माय गॉड जाइंट सिलो, ओके हार्ट क्या करता है, हैव नो आइडिया। फिर से आ गया रूट एडवाइजर वाला। उससे पहले ये ऐसे लाइट लाइट क्यों ऑफ हो गई, थोड़ी अंधेरा अंधेरा सा क्यों लग रहा है, काफ़ी अंधेरा लग रहा है। थोड़ी ब्राइट वाली जगह पे जाकर मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये तो बहुत अंधेरा सा लग रहा है, पूरा ब्लरी ब्लरी सा क्यों लग रहा है, मेरी आँखें तो ठीक हैं। आई थिंक ये जो हमने मॉड लगाया है ये उसका कमाल है। ओके ये हमने अपना एक्टिवेट कर लिया, यहाँ से राइट लेना है ना। ओए होए ये ब्लरी ब्लरी, मेरी आंखें ब्लरी तो नहीं है यार। ओए होए ठुकेगा तो सही। एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ मैं, अगर हमें इन डेप्थ में देखना है ना हमारा ट्रेलर ट्रक, तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, एस्केप जैसे ही दबाकर आप यहाँ पे फोटो स्टूडियो देखेंगे, फोटो स्टूडियो के बाद यहाँ स्विच टू फोटो मोड आ रहा है। यहाँ से क्या होता है, हम कूल पिक्चर्स ले सकते हैं अपेरेंटली। तो देखो ये अब हम कैमरा क्या कहते हैं सेटिंग्स पे आ चुके हैं। तो अगर मुझे अच्छी सी थंबनेल लेनी है, तो जैसे मैं अगर ये लेना चाहता हूँ तो मैं ये लेके कैप्चर स्क्रीनशॉट दबा दूंगा, तो ये हो गया सेव। अगर थोड़ा पास से लेना चाहता हूँ, मैं ऐसे लेना चाहता हूँ थोड़ा, तो ये भी पॉसिबल है ये दबा के कैप्चर, अगर मुझे ब्लर स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना है, यानी कि देखो पीछे सब दिख रहा है
पीछे सारी गाड़ियां दिख रही हैं, वो ट्रक, वो देखो यहाँ पे ट्रक दिख रहा है आपको, अगर इसको ब्लर करना है तो फुल कर दिया, जैसे आजकल पोर्ट्रेट मोड्स में होता है मोबाइल्स में, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं जो है, ये ऐसे करके वो टेढ़ा करके बिल्कुल ऐसे करके भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगर ऊपर करना है थोड़ा तो क्यू से ऐसे स्क्रीनशॉट। तो ये सारी चीज़ें, एक्स से लेफ्ट रोटेट होता है, सी से राइट रोटेट होता है, हम दूर जा सकते हैं थोड़ा, और दूर जाकर भी ले सकते हैं, इसको सीधा कर देते हैं, इससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। ये हमारी कॉन्वॉय की गाड़ी है, हम इसको अगर ऐसे लेते हैं तो कॉन्वॉय की गाड़ी सिर्फ इतनी ही आएगी। एंड हम सी से टेढ़ा कर सकते हैं, एक्स से वापस सीधा, हमारा जैसे मन चाहे हम वैसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो देखो पीछे वाली गाड़ी दिख रही है, हम ऐसे ले सकते हैं, काफी भयंकर फोटो आएगी। स्केप दबा दिया, बैक टू ड्राइविंग, वापस आ गए हम ड्राइविंग पर। अब देखो इससे जो हमारे स्लीपिंग आवर्स हैं वो रिस्टोर हो चुके हैं। लेट्स चेक दैट। हाँ, स्लीपिंग आवर्स रिस्टोर हो चुके हैं। समथिंग जस्ट ब्लू अप एंड आई हैव नो आइडिया कि ये कैसे हो गया। बहुत ज्यादा ही बड़ी ट्यूब है रे ये तो। देखो अगर आप लोगों को ग्राफिक्स में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, थोड़ा ब्लरी लग रहा है, ऐसे मुझे ब्लरी दिख रहा है, अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। बड़ी ट्यूब, डोंट टेल मी टर्न लेना है, मर गए रे। कैसे लेफ्ट जाएंगे हम, कैसे लेफ्ट जाएंगे, थोड़ा आगे जाके फिर लेफ्ट लेते हैं। यूजुअली मैंने यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी थी, वो यहाँ फंस रहे थे। देखते हैं हम फंसते हैं या नहीं। ये जो टर्न आता है ना, ये बहुत डेडली टर्न आता है। अरे भाई रुक जा भाई, 40 टर्न खींच रही हूँ। बच गए रे, बच गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में बच गए हम तो। व्हील्स काउंट करो, लो भाई अब आपके लिए व्हील्स काउंट करने का थोड़ा टास्क दे दिया है हमने, करो व्हील्स काउंट। वापस हम अपने वॉल्वो के ट्रक पे आ चुके हैं। लास्ट ट्रिप हमने, लास्ट जो भी ट्रिप थी उसे हमने स्कैनिया से क्या करी थी, ये देखने के लिए कि क्या डिफरेंस आता है। एक बार स्क्रीनशॉट लेके देखते हैं, हम इस कॉन्वॉय व्हीकल के बहुत पास आ जाते हैं, फिर हम फोटो मोड से स्क्रीनशॉट लेंगे। फोटो मोड पे गए, फोटो मोड थोड़ा पीछे जाते हैं। ब्लर स्ट्रेंथ को अगर हमने हटा दिया तो पीछे की कॉन्वॉय की व्हीकल दिखेगी, और अगर हमने ब्लर कर दिया तो लगेगा उप्स ज़्यादा ब्लर हो गया, देखो कितना बेकार लग रहा है यहाँ से। तो इसको ठीक करने के लिए हम थोड़ा ब्लर डाल देते हैं। ये अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं पहले ही कर देता, स्क्रीनशॉट ऐसे ले लेता, अच्छा लग रहा है। नीचे जाते हैं ई से,
लेट्स कंटिन्यू। बहुत टाइम स्पेंड हो जाएगा सेल्फियां खिंचवाने में ट्रक। फ्यूलिंग भी देखो हो गई, 785 लीटर्स आ रहा है, पहले 500 कुछ पे थे हम। सो ये एक एडेड बेनिफिट है जब हम हैवी कार को उठाते हैं। मेरा बहुत मन था मैं वो बोट लेके जाऊं, लेकिन ऑब्वियसली पहले हैवी कार्गो को हम सपोर्ट देंगे। आप लोगों को बहुत पसंद है हाई वैल्यू कार्गो, हैवी कार्गो 50-60 टन, बस फिर हाजिर है। चेंजिंग लेन मैनूवर शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन हुआ क्यों नहीं कुछ? अच्छा राइट में लेनी है। ये देखो लेफ्ट वाली गाड़ी कितना दब दब के चल रही है, कितने कोने में चल रही है। इसको पता है कि हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, तो वो पहले से दब दब के लेफ्ट में चल रही थी। स्पीड लिमिट देखो इसमें हमारे लिए डाल दिए इन एस्कॉर्ट वाली गाड़ियों ने कि 60 के साथ चल नहीं सकते। वो सब सोच समझ के चला रहे हैं, मतलब सोच समझ के उन्होंने स्पीड सेट करी है ताकि हम कहीं हिल से नीचे ना गिर जाएं, या फिर काफ़ी रीज़न है, या फिर हम फिसल ना जाएं फुल स्पीड में। क्योंकि अगर मैं 140 किलोमीटर के हिसाब से 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसे चलाऊंगा भगवान जाने क्या होगा। ये देखो कितना साइड में चल रही है, गुड बॉय, उनको पता है।
मज़ा आ रहा है इसमें। हैवी कार्गो है, इतना स्ट्रेंथ लग रहा है ट्रक का, सब फील हो रहा है, सारी पावर सब पता चल रहा है। वेरी नाइस। फ्यूल वगैरह तो हमारे पास सब है। ये रिटार्डर्स ऑन हो गए थे अपने आप ही। मैंने रिटार्डर्स तो ऑफ रखे हैं। ऑफ ही रिटार्डर चेक करना पड़ा था मुझे एक बार, मुझे लग रहा था डाउट होने लग गया था, जिस हिसाब से वो रिटार्डर ऑटोमेटिकली ऑन हो गए थे। सुबह के 4:30 बज गए। डिलाइट फुल वेदर। दिन हो चुका है, अब आप देख सकते हैं कि ट्रक कितना ह्यूज है। शाउट आउट्स इस वीडियो में नहीं मिलेगा, एक्चुअली मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है अभी हाथ में, इसलिए मैं अभी शाउट आउट नहीं दे पाऊँगा। शाउट आउट्स हम कंटिन्यू करते हैं कभी और वीडियो में। इस वीडियो में आप इंजॉय करें ये एरिया, सनराइज, ये हमारा हैवी लोड। ये मैन का ट्रक निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने लेन का ध्यान नहीं दिया, निकल जाएगा वो। आज मैं मैन के ट्रक ने, हम भी गेन करते हैं। हम ज़्यादा गेन नहीं कर पा रहे हैं लगता है, कॉन्वॉय स्पीड के, कॉन्वॉय जो गाड़ी है एस्कॉर्ट व्हीकल की वजह से। जैसे मैंने ब्रेक मारी, मेरी कॉन्वॉय कार जो एस्कॉर्ट व्हीकल सामने ली, उसने भी ब्रेक मार दी। उसको लग रहा था कुछ गड़बड़ है। ये मैं माउस से कंट्रोल कर रहा हूँ। माउस से अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट 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 कर देंगे तो ट्रक से हम अपना बाहर का देख सकते हैं।
भी डेकर ट्रांस का ही है, हमारा भी जो पिकअप था डेकर ट्रांस से ही था। स्पीड अप, फ्रूट्स लेके जा रहे हैं ये सर। की स्पीड पे रखा हुआ है क्रूज कंट्रोल, 93 किलोमीटर्स मोर, 300 किलोमीटर को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, आपको समझना पड़ेगा ये चीज़। 60 की स्पीड लिमिट है तो एक बार ट्राई करते हैं, 60 पे करके छोड़ देते हैं। चलो 60 किलोमीटर्स पर आवर पे क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया हमने। देखो ज़रा सामने कुछ दिख ही नहीं रहा, अगर ऐसे कोई चला रहा हो पता ही नहीं चलेगा। छोटा ट्रक लग रहा है हमारे साथ वाला अलबोर्ग। यहाँ जाइंट सिलो डॉट सी एच लिखा है, जाइंट सिलो डॉट सी एच यहाँ भी लिखा है। सारा सीधा का ही रास्ता है, अगर यहाँ रिटार्डर ऑन करें तो क्या स्पीड कम उतरेगी? ओके 60 से नीचे नहीं जा रही है अभी तो, 61 पे और कम करके देखते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है, यानी कि सॉरी ब्रेक था मेरा मतलब, बस पूरी कवर कर ले। अरे कितना कम है डिस्टेंस, ये देखो इसकी कार्गो। अरे दादा कैसे करें ये लोग, 1 दे रहा था हमें तो एस्कॉर्ट वाला कि भाई तू बीच में चला, बाहर मत निकल, शाना पंती मत दिखा। Bit of struggle due to the hill. ये मैन वाला या आईवीको वाला सब्जियां लेके जाएगा हमारे साथ से। ये बहुत बहुत स्पीड में हमें ओवरटेक करते हुए जा रहे हो आज तो, कभी खा लिया और रेस करने। ये देखो कैसे गेन करा हमारे ट्रक ने जैसे हम थोड़ा। स्टार्टर ऑन किए मैंने, इमीडिएट ब्रेकिंग भी ट्रक के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, इसे रिटार्डर से हम करते हैं। जब फीचर दिया है तो व्हाई नॉट टेक, व्हाई नॉट यूज इट एंड बेनिफिट फ्रॉम इट।
शट ऑफ करो। अच्छा ऑटोमेटिक था ये। 65 पे आते रिटार्डर ऑटोमेटिकली सेट हो जाता था कि हम 63 पे आ जाएं। लेट्स चेक अगेन। और आपको ध्यान होगा कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। लास्ट गेम में एक बार क्या हो गया था देखा ही है ना आपने, कैसे आगे एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के वजह से हमने ओवरटेक करने की कोशिश करी और ओवरटेक करने के चक्कर में हमने ठोक दिया ही नहीं कोई मेरे एस्कॉर्ट व्हीकल को। हर्ट शैल्स हो गए डिस्कवर्ड। साइट सीयर का हमें अचीवमेंट अनलॉक हुई है। प्रोग्रेस जाना है सीधा सीधा से लेफ्ट। तो जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, उसकी वजह से टायर पंक्चर भी हो सकता है। पानी में उड़ा दूं कहाँ पार करना है, क्या बात कर रहे हो, यहाँ पार करना है? नहीं नहीं कहाँ पार करना है, तो बड़े पोलरिस लाइन में आ गए हम। अरे वाव लुक एट दैट, फोटोग्राफी करने पड़ेगी यहाँ तो। फोटो मोड कैप्चर स्क्रीनशॉट, फिर एक यहाँ पे भी लेते हैं स्क्रीनशॉट। वाह 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 मजा ही आ गया। थोड़ा ऊपर जाते हैं। कॉन्वॉय गाड़ी कहाँ, ज्यादा दूर है क्या, पहुंच पाएंगे हम? फोकस हटाना, फोकस वापस लाना पड़ेगा हमें। ब्लड स्ट्रेंथ को हटाते हैं। वाह ब्यूटीफुल। फोटोग्राफी करने में बहुत मजा आता है, वैसे मुझे इंटरेस्ट है काफी फोटोग्राफी में। पोलरिस लाइंस आ गए हम, कहाँ से हम जाने, कहाँ से है? देखो कैसे लोड आ रहा है। आगे से जा सकते हैं ना, आगे से चलते हैं, यहाँ पे तो जगह कम लगेगी। ऐसे वो एंट्री के लिए मना लग रहा है। लेट्स ट्राई दिस।
वाओ, जस्ट वाओ। ये ट्रिप हो गई पूरी, बहुत ही प्यारी ट्रिप थी। प्लीज लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं। मजा आ गया मुझे तो। अचीवमेंट्स देखो कितनी सारी अनलॉक हो गई, प्रोग्रेस ये वो ब्ला ब्ला। 22,000 यूरो, 1,00,000 XP, लेवल 266 से आई थिंक हम हो गए होंगे, 276 पे जाएगा, ये 10 बढ़ेगा कितना, अच्छा ज़्यादा नहीं बढ़ता, 1,00,000 XP बढ़ना है ना सिर्फ। आगे आगे तो और मुश्किल होता रहेगा। 281 लेवल पे आ चुके हैं, बहुत मज़ा आया मुझे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।